हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरी क्लास अनुभव रवि के मैथ्स में। तो अब दोस्तों, हमारा जो ये 11वां क्वेश्चन है, इसका आज के वीडियो का और इस प्रश्नावली के लास्ट ऑप्शन बचा है। आपका 11वें क्वेश्चन का जो लास्ट ऑप्शन है ना, तीसरा, वो कराऊंगा। इसके जो दोनों ऑप्शंस है मैंने करवा दिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपका 11वां, तो स्टार्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों, हमें इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि -3/4 व 5/6 के बीच तीन परिमेय संख्या याद करो, तीन परिमेय संख्या याद करो, और वो भी किसके द्वारा, माध्य विधि के सूत्र द्वारा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहां पर माध्य विधि, माध्य विधि का सूत्र। अब माध्य विधि का सूत्र क्या होता है दोस्तों, a+b ((1/2)। हमें किन के बीच में याद करनी है, -3/4 व 5/6 के बीच में। अब ए क्या होता है, अब ए है आपका यहां पर -3/4 और बी क्या है आपका 5/6। अब क्या करना है आपको, तीन परिमेय संख्या याद करनी है। तो सबसे पहले हम किन के बीच में याद कर लेते हैं, -3/4 व 5/6 के बीच में, किस सूत्र के द्वारा, इस सूत्र के द्वारा। तो अब देखो, ए के स्थान पर हम कितना लिखेंगे, -3/4 प्लस बी के स्थान पर कितना लिखेंगे यहां पर 5/6, कोष्टक का कोष्टक, इनटू का इनटू, और 1/2 का 1/2। अब देखो, यहां पर -3/4 प्लस है और 5/6 यहां पर प्लस है। तो यहां पर हम दोस्तों क्या करते हैं, इन संख्या का, नीचे वाली संख्या का लेंगे लेस से, क्या लेंगे लेस से। बताओ, 4 और 6 का लेस से आप कैसे निकालोगे, 4 और 6 का लेस से निकालना है। तो बताओ, ऐसे ही जो निकालते हैं, अब सबसे छोटी संख्या होती है 2। अब 2 का भाग 2 कितनी बार जाएगा, 1 2 2 2 2 4। अब 2 का भाग 6 में 2 कितनी बार जाएगा, 1 2 2 2 2 4 3 2 6 गया। अब 2 का भाग जा रहा है, 2 1 2, अब 3 में जाएगा नहीं, तो 3 को वैसा का वैसा उतारा। अब 3 का भाग 2 1 में जाएगा नहीं, 3 में जाएगा एक बार। अब देखो, बाहर वाली संख्या को गुणा करो, 1 3 2 3 6 1 6 6 2 6 12। तो बताओ, नीचे वाली संख्या का लेस है क्या आया, 12। अब इस 12 के अंदर ये जो 3/4 है, इस 4 का भाग देना है 12 में, कितनी बार जाएगा, 1 4 4 2 4 8 3 4 12। अब उस 3 को गुणा करना है 3 से, 1 3 3 2 3 6 3 3 9, आगे निशान है माइनस, तो माइनस लगाया। अब प्लस का प्लस, अब 6 का भाग देना है 12 में, 6 का बड़ा बोलो, 1 6 6 2 6 12, कितनी बार भाग गया, 2 बार, और उस 2 को गुणा करना है 5 से, तो 1 5 5 2 5 10। कोष्टक स्पष्ट हो गया। अब 1/2 का 1/2। अब देखो, माइनस का 9 और प्लस का 10, तो प्लस का 10 ज्यादा है ना, तो यहां पर माइनस का 9 है, तो माइनस का 9 को घटा दो आप प्लस का 10 में से, कितना बचेगा, प्लस का 1, यानी कि प्लस के 10 में से 9 घटाओ, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब नीचे 12 है, तो 12 इंटू का इंटू 1/2 का 1/2। अब देखो, यहां पर 1 को हम गुणा करेंगे 1 से, तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब बट्टा में देखो, 12 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 24 आएगा। तो बताओ, माइनस का 3/4 और माइनस का 3/4 और 5/6, इन दोनों के बीच में कौन सी परिमेय संख्या आई है, 1/24 निकाल दी। अब दोस्तों, हमने निकाली है सिर्फ 1, हमें निकालनी है 3। तो अब की बार हम निकालते हैं माइनस का 3/4 और 24 के बीच में, इन दोनों संख्याओं को लेंगे, किसके बीच में याद करनी है, माइनस का 3/4 व 1/24 के बीच में। कैसे करते हैं देखो, अब की बार यहां पर बताओ, ए के स्थान पर कितना लेंगे, माइनस का 3/4 और बी के स्थान पर 1/24। किस सूत्र का यूज करना है, माध्य विधि का सूत्र, आपको माध्य विधि का सूत्र, ये रहा आपका सूत्र माध्य विधि का। तो यहां पर लगाओ, a+b ((1/2), वापस वैसा का वैसा करो। अब a के स्थान पर रखेंगे माइनस का 3/4 इंटू, सॉरी प्लस, b के स्थान पर रखेंगे 1/24 ((1/2)। अब यहां पर देखो, लेस है, ले किसका, 4 और 24 का। तो सबसे पहले, सबसे छोटी से छोटी संख्या 2 होती है, भाग 2, 1 2 2 2 2 4, 24 में 2 का भाग 2, 12 आएगा। अब 2 का जा रहा है, 2 1 2, 6 2 9, 12, फिर से 2 का जा रहा है, 1 में जाएगा नहीं,
छह में जाएगा एक दो 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 चार तीन दो छह, अब दो का भाग जाएगा नहीं, तीन का भाग जाएगा, तीन एकम तीन। अब देखो सबको गुणा कर लो, एक तिरतीरी दो तिरछ एक चक दो चक बारह बार बार दूनी चौबीस, तो बताओ लैस है क्या आया चौबीस। अब इस चौबीस के अंदर इस चार का भाग देना है कितनी बार जाएगा छह बार, और उस छह को गुणा करना है तीन से, तो छत्तीस अठारह, वो भी किसके माइनस के, अब प्लस का प्लस लगाना है। अब चौबीस का भाग देना है चौबीस में कितनी बार जाएगा एक बार, और उस एक को गुणा करना है एक से, कितना आएगा एक, तो हो गया अब इंटू का इंटू, और एक बटा दो का एक बटा दो। अब दोस्तों देखो माइनस का अठारह में से प्लस का एक घटाएंगे तो ये बचेगा माइनस का सत्रह, और उस माइनस के सत्रह को एक से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे क्या है चौबीस इंटू दो, तो चौबीस को दो से गुणा किया तो अड़चास आ गया। अब देखो यहां पर लिखते रहते हैं प्रीमेय संख्या जो भी हम याद करते हैं, हमें किन के बीच में याद की है, माइनस का सत्रह बटा अड़चास, माइनस का सत्रह बटा अड़चास, माइनस का तीन बटा चार और एक बटा चौबीस के बीच में याद किया ना। अब मैं एक बार वापस यहां पर हटा देता हूं और यहां पर लिख देता हूं, ठीक है पूरा प्रीमेय संख्या हम एक साथ में यहां पर लिखते रहेंगे। हमने याद की है माइनस का तीन बटा चार और एक बटा चौबीस और एक आपकी है पांच बटा छह। हमने याद की है माइनस का तीन बटा चार, माइनस का तीन बटा चार और एक बटा चौबीस के बीच में कौन सी संख्या, माइनस का सत्रह बटा, माइनस का सत्रह बटा अड़चास कर ली। अब तक तो हमारी आई है दो और हमें याद करनी है तीन। अब दोस्तों हमें पीछे वाली संख्याओं के बीच में याद कर लेते हैं, एक बटा चौबीस और पांच बटा छह के बीच में, तो अब की बार ए के स्थान पर तो लेंगे एक बटा चौबीस और बी के स्थान पर लेंगे, बी के स्थान पर लेंगे पांच बटा छह। अब सूत्र कौन सा यूज में लेना है, यही सूत्र लेना है, ए के स्थान पर तो लिखेंगे एक बटा चौबीस प्लस बी के स्थान पर लिखेंगे पांच बटा छह इंटू का इंटू एक बटा दो का एक बटा दो। अब चौबीस और छह में आपको क्या लेना है, लेस है लेना है, अब मैं इसको मिटा देता हूं, चौबीस और छह में, अब चौबीस और छह का लेस है क्या आएगा, सबसे छोटी संख्या दो होती है, दो का भाग दो चौबीस में बारह बार, छह में दो का भाग दिया तीन बार, अब दो का भाग जा रहा है बारह में छह बार, तीन में जाएगा नहीं तो तीन को वैसा का वैसा, अब दो का भाग जा रहा है छह में तीन बार, तीन में जाएगा नहीं तीन को वैसा का वैसा, अब तीन का भाग जाएगा तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, तो अब इन सबको गुणा कर लो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, एक दो सोलह, तीन अठा चौबीस, तो बताओ लेस है क्या आया इसका चौबीस। अब दोस्तों क्या करना है, इस चौबीस का भाग देना है चौबीस में कितनी बार जाएगा एक बार, और उस एक को गुणा करना है एक से, तो कितना आएगा एक, यहां पर प्लस है। अब छह का भाग देना है चौबीस में कितना बार जाएगा, एक छक दो छक बारह तीन छक अठारह, एक छक दो छक बारह तीन छक अठारह चार छक चौबीस, चार बार गया, और उस चार को गुणा करना है पांच से, तो पांच चौके बीस हो गया। अब यहां पर कोष्टक का कोष्टक इंटू का इंटू एक बटा दो का एक बटा दो। अब देखो दोस्तों बीस और एक कितने हो गए, इक्कीस बट्टा चौबीस इंटू एक बट्टा दो। अब देखो इक्कीस को एक से गुणा करो इक्कीस, चौबीस को दो से गुणा करो अड़चास, तो बताओ इक्कीस बट्टा अड़चास किसके बीच में हमने याद की है, एक बटा चौबीस और पांच बट्टा छह के बीच में, इन दोनों के बीच में याद की ना, कौन सी इक्कीस बट्टा अड़चास किसके बीच में पांच बट्टा छह, इन दोनों के बीच में याद की है, और हमें करनी कितनी थी तीन परिमेय संख्या, तीन परिमेय संख्या याद करो, तो हमने तीनों परिमेय संख्या याद करके इस प्रकार इस बॉक्स में लिख दिया है। तो बस आपको क्या आना चाहिए, सिर्फ गुणा और भाग आना चाहिए और ये माध्य विधि का सूत्र आना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपकी परिमेय संख्या प्रश्नावली पूरी खत्म हो चुकी है, इसके उदाहरण मैंने पूरे करवा दिए हैं, प्रश्न मैंने पूरे करवा दिए हैं और आपकी सूत्र मैंने पूरे करवा दिए हैं, तो इससे आपका बाहर कुछ नहीं पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में, तब तक के लिए बाय, एंड देखते रहिए हमारे चैनल अनुभवी त्रिविके मैथ्स को।